तान्याल से मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है। हम ऐसे हैं एक दूसरे के लिए जैसे कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। चले अब। Hey. मेरी बात तो सुनो हानिया। दानियाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सालिया प्लीज तुम ही समझाओ इसे। मैं हानिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब तक रह तो रहे थे ना आप जिंदा हानिया के बगैर। तुम उसे जिंदा रहना कहती हो? मैं जिंदा नहीं रह रहा था। मैंने एक एक पल सजा में काटा है। आपने तो अपनी सजा काट ली दानियाल, लेकिन अब हानिया जो सजा काट रही है उसका क्या? प्लीज तुम हानिया को समझा दो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता और मैं वापस आता रहूंगा, बार बार आऊंगा। जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक आता रहूंगा, जब तक ये मेरे साथ नहीं जाएगी। समझा दो इसे। हानिया इस बारे में एक बार और सोचो तो प्लीज। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत जिसके सिले में मुझे बदनामी और रुसवाई के अलावा कभी कुछ भी नहीं मिला। ये बदनामी और रुसवाई हमारे मुकद्दर की स्याही बन चुकी है हानिया, और इस स्याही को मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम दानियाल की बात मान लो। अभी जाओ यहाँ, अपने घर जाओ तुम। अपने घर? उस घर में जिसमें पहले ही अम्मी की बदनामी की वजह से आग लगी हुई है। नहीं जाना मैंने उस घर। अगर तुम जानती हो कि बदनामी की आग कैसे जलाती है तो मुझे क्यों धकेल रही हो सालेहा? आज जो सब कुछ हुआ है उसके बाद मैं दानियाल की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हानिया वो मर जाएगा। वो नहीं मरेगा, लिखवा लो तुम मुझसे। हानिया तुम नहीं समझ सकती, फातिमा यहाँ आई थी मेरे मुंह पे तमाचा मारने। मेरा क्या कसूर था? मैंने अपने आप से एक जंग लड़ी, उसके लिए वो जंग भी मैं हारी। हानिया प्लीज प्लीज इस बारे में सोच लो। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी, जोया को भी साथ ले जाऊंगी। हानिया इतने रिश्तों में मुझे अगर कोई आसरा था सालेहा तो वो भी मामू जान का था, और आज वो भी चला गया है। हानिया